उधम सिंह नगर की खड़ीमा से, जहां आज 10 बजे से हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव शुरू हुआ। वहीं दोपहर के 12 बजे तक 2851 से लगभग 800 वोट पड़ चुके थे। आगे की प्रक्रिया भी 2 बजे तक चलती रही। वोट करने के लिए बड़ी संख्या में छात्राओं की भीड़ उमड़ी। वहीं मौके पर पहुंचे SDM रविंद्र बिष्ट ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया पर हमारी नजर है, जो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाने की संभावना है। साथ ही खड़ीमा कोतवाली से पुलिस बल मौके पर तैनात है और चुनाव को सकुशल कराने के लिए पुलिस बल मौके पर बनी रही। चुनाव प्रभारी खड़ीमा डॉक्टर आशुतोष कुमार ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया जो 10 बजे से शुरू हुई और 2 बजे तक सुचारू रही। उधम सिंह नगर से ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। वैसे भी आपका तो जेन्युइन मामला है, विचाराधीन वाला भी तो नहीं लगा सर। अब दो से दो खुद ही वोट डाल के दिखा दो ना। रोक रहे फिर बाहर हमारे पूरा ठीक हो। और यहाँ पे इलेक्शन चालू हैं और सही तरीके से एकदम करा जा रहा है, सर क्या कहेंगे? देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय खटीमा में आज शासन चुनाव हो रहे हैं और 10 बजे से ये वोटिंग शुरू हो गई और 2 बजे तक चलेगी। उसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू आरम्भ होगी। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था पूरी तैनात है, सारे पुलिस यहाँ पर तैनात है और शांति व्यवस्था बनाए रखी है, तो होपफुली ये पूरा शांतिपूर्वक निपट जाएगा हमारे शाम तक। आज जो है, जो अभी चुनाव चल रहा है, इसमें हमारी पुलिस फोर्स और शासन प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है और चुनाव भी बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। अभी तक आई थिंक 10-12-15% लगभग वोटिंग इनकी हो चुकी है और शांतिपूर्वक निपटेगा और उसको उस तरीके से देखा जाएगा। वोटिंग हो रही है और वोटिंग की स्थिति क्या है, कितने वोट पड़े हैं, कितने वोट टोटल हैं, डिटेल से जरा बताइए। देखिए महाविद्यालय में अभी 10 बजे से हमने मतदान प्रारंभ करवा दिया है और हमारा इस समय टोटल वोटर जो हैं वो 2851 है, जिसमें से अभी तक 11 बजे तक 305 वोटर्स ने वोट कास्ट कर लिया है। लगभग 11% के आसपास जो है वो हमारा वोटिंग हो चुका है और हम 2 बजे तक मतदान करेंगे और लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास हम मतगणना कार्य प्रारंभ कर लेंगे और पूरा पुलिस प्रशासन का और स्थानीय प्रशासन का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। आशुतोष कुमार इस समय प्रभारी प्राचार्य के रूप में और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हो।